आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। यूपी विधानसभा में जमकर गर्जे सीएम योगी, बोले माफियाओं की मिट्टी में मिला दूंगा। सदन में योगी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा सरकार 4 गौवंश पालने पर दे रही है 900 रुपए महीना। सोनिया का राजनीति से रिटायरमेंट का इशारा, पार्टी के रायपुर अधिवेशन में बोली भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी समाप्त हो सकती है। पटना में अमित शाह ने दो टूक, बोले हमने नीतीश कुमार को सीएम बनाया क्योंकि हमने वादा किया था। रैली में बोले नीतीश कुमार, हम कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं, एकजुट होने पर जल्दी फैसला करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हूं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर लखनऊ से, जहां निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद अपमान से नाराज होकर हजरतगंज की गांधी प्रतिमा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही उनका कहना है कि सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनसे माफी मांगे, नहीं तो पूरा निषाद समाज और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। सांसद रहे, विधायक रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उनकी जबान से इस तरह का शब्द निकलता है तो बहुत ही अशोभनीय है, क्योंकि हमारे नेता तो हम लोगों के लिए भगवान है। अगर हमारे नेता पे इस तरह की कोई टिप्पणी करेगा तो हम लोग भाई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। अभी तो छोटा आंदोलन है, हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करने की बात करेंगे, क्योंकि अब 18% आबादी वाला निषाद समुदाय जाग गया है। अभी तो केवल निषाद समुदाय ही नहीं, हम लोगों के साथ ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, हर बिरादरी के वर्ग के लोग हैं, हमारी पार्टी का झंडा उठा रहे हैं। और जो भी हमारे अगुआ माननीय डॉक्टर संजय निषाद पर जो भी अभद्र टिप्पणी करेगा, हम उसकी निंदा करने के लिए तत्पर हैं, आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। खबर लखनऊ से, जहां काकोरी धर्मेंद्र पाल हत्याकांड मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। बता दें कि पार्टी डीलर धर्मेंद्र पाल की हत्या हुई थी, मामले की जांच के लिए डीसीपी वेस्ट की टीम गठित कर दी गई थी। कॉल डिटेल से पता चला है कि मृतक हत्या के समय फोन पर बात कर रहे थे, मौके पर हत्यारे के जबड़े में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्यारी ने इसे सुसाइड का मोड़ देने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की जांच पड़ताल से पता चला है कि उसकी हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्या के प्रयोग किए गए असलहे और बाइक को बरामद कर लिया है। इसमें एक 14 तारीख को शाम को 6:30 से 7:45 के बीच में एक धर्मेंद्र पाल थे, उनकी काकोरी थाना में प्रॉपर्टी डीलिंग का जो काम करते थे, उनकी हत्या हुई थी। शुरू में ऐसे लगा था उसको देखकर कि ये आत्महत्या है, क्योंकि वो जहाँ पर कार पे बैठे हुए थे वो ड्राइविंग सीट पे थे और वहीं पर एक कट्टा भी मिला था, जो असलाह मिला था। तो पहला इम्प्रेशन ये हुआ पुलिस का, और ये देने की कोशिश की गई कि ये आत्महत्या है, लेकिन पोस्टमार्टम जब हुआ उस समय तुरंत पता चला था कि जो उनकी इंजुरी थी वो किसी और बोर की थी, और जो वहाँ पर जो असला था वो किसी और बोर का था। जैसे असला जो है वो 315 बोर का था और इंजरी जो है वो 32 बोर की थी। उसके बाद टीम जो है वो डीसीपी चनप्पा और उनकी सारी टीम, जिसमें एडिशनल डीसीपी चिरंजीव थे और सभी लोग थे। बुलंदशहर में चोला थाना प्रभारी पूरन जादौन की लाइन हाजिरी हुई है। परीक्षा देकर घर लौट रही छात्राओं को अगवा करने में मामले में कोई कार्रवाई ना करने पर लाइन हाजिर की गई है। वहीं कार सवार युवक ने छात्राओं को अगवा करने की कोशिश की थी। शिकायत लेकर थाना जाने पर थाना प्रभारी ने उन्हें थाने से भगा दिया था, जिसकी छात्राओं के परिजनों ने एएसपी श्लोक कुमार से शिकायत की। अम्बेडकर नगर की नवांगा जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जिला चिकित्सालय अस्पताल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में पानी को लेकर कमी पाई गई, जिसके लिए नगर पालिका को निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान मरीज और मरीजों के परिजनों से जिलाधिकारी ने भी बातचीत किया है। इसके अलावा 42 बेड निर्माणाधीन कोविड वार्ड बने रहेंगे।
ये एकदम सही बात है कि मैंने आज मॉर्निंग में जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया और अपने साथ अपने एक स्टेनो को लेकर हम लोग बिना किसी को इन्फॉर्म किए चारों तरफ मतलब जितने भी अस्पताल को अच्छी तरह से अंदर बाहर से उसका निरीक्षण किया, उसको देखा, लोगों से बातचीत किया और सीएमएस साहब के पास भी गए। सीएमएस साहब राउंड में थे और कई जगहों पर कुछ कमरे जो खाली थे, डॉक्टर साहबान नहीं थी, तो उसके बारे में मैंने सीएमएस साहब से वार्ता किया है और ये अनुरोध किया है कि अनिवार्य रूप से जो हमारे जो भी क्षेत्र से लोग आए, जो बीमार लोग हैं, जो यहाँ इलाज की तलाश में आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खबर बदायूं से, जहां कथावाचक और लोक गायिका पूनम शास्त्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। शुक्रवार सुबह पूनम का शव घर के कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाना कादर चौक पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर बुलंदशहर से, जहां एक इंटरमीडिएट छात्र के पिता और छात्र को परीक्षा से पहले प्रवेश पत्र दिलाने के लिए अपनी बाइक स्कूल प्रबंधन के पास गिरवी रखनी पड़ी। बता दें कि पिता किसी कारण स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल प्रबंधक दन में बाइक गिरवी रखनी पड़ी। साथ ही इसके लिए बकाया फीस जमा किए जाने के साथ सादे कागज़ पर बाइक जमा किए जाने की बात भी लिखनी पड़ी। कागज़ पर स्कूल की मुहर भी लगाई गई। अब उन्होंने मामले की शिकायत अधिकारियों से कर दी है। जी, मुझे इसकी जानकारी नहीं है पूरी अभी, और जितना मुझे पता लगा है वो ये है, एक बच्चा था, उसकी फ़ीस कुछ बकाया थी, तो उनके फादर ने अपनी बाइक की, मैं अपनी बाइक यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ और ये मैं पैसे जमा कर जाऊँगा, इस तरीके से वो कहकर गए हैं यहाँ से। और लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है उनका, कि ये हमारे लिए साजिश की गई है, ये हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ीस बकाया है कुछ है। हमारे पास बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो एडमिट कार्ड ले जा चुके हैं और हमारा किसी तरीके का दबाव नहीं है उनके ऊपर। बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें कि कुछ बच्चों के नाम है, हिमांशी है, हिमांशी इसका 26,000 बकाया है, ये विशाल 49,900 रुपये, जिसमें 34,500 रुपये मैंने स्कूल को जमा कर दिए। उसके बाद मैं जब उनके पास में प्रवेश पत्र लेने के लिए गया, आज एग्ज़ाम था 12वीं कक्षा का, तो उन्होंने प्रवेश पत्र देने से मना कर दिया और बकाया राशि के उसमें मेरी बाइक जमा कर ली। तो आपने और कहाँ करी थी? मैंने डीएम साहब के कार्यालय में आज शिकायत करके आया हूँ। और शिकायत के बाद क्या आश्वासन? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है, उनके यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। अमानवीय तरीके से विद्यालय ने मेरे साथ में व्यवहार किया और ज़बरदस्ती उन्होंने मेरी जो है बाइक ले करके जमा कर ली। जी, मेरी स्कूल की फ़ीस थी 49,900 रुपये, तो पापा जी ने 35,000 रुपये जमा कर दिए। बाकी बची जो राशि थी, पापा बोल रहे थे कि मैं आपको एक या दो दिन बाद पे कर दूंगा, लेकिन स्कूल वालों का बिहेवियर ये था, उन्होंने ये ना कहकर के आप कर देना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप कुछ गिरवी रख दो। तो मतलब ये तो एक तरीके से बेकार बात होगी ना, आप कुछ गिरवी रख दो, वो अच्छी तरीके से भी तो बात कर सकते हो। गिर में क्या रखी गई आपको? वो बाइक रखी गई हमारी, बाइक जब्त कर ली उन्होंने और बाकायदा उन्होंने स्टैंप वगैरह लगा के दिया है। पापा जी बता रहे थे मेरे को कि खबर अलीगढ़ से, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक लड़की गांव के दो लफंगे लड़कों से परेशान होकर मदद की गुहार लगा रही है। वीडियो में लड़की बताती है कि गांव के दो लड़के उसको पिछले एक साल से परेशान कर रहे हैं, साथ ही पुलिस को चेतावनी देते हुए कहती है कि लड़कों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो वो आत्महत्या कर लेगी। थाना टप्पल क्षेत्र के गाँव मदक का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। खबर हरदोई के शाहबाद से, जहां बीच कचहरी में पुलिस को चकमा देकर चोर फरार हो गया है। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। साथ ही एएसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों को लगाने की बात भी कही और जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा भी किया। बता दें कि पुलिस ने नामजद साथी चोर अरविंद को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया था। अदालत में पेश करने के लिए उसे कचहरी ले जाया जा रहा था, जिसके बाद साथी चोर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आज दिनांक 24/2/2023 को मुकदमा अपराध संख्या 62/2023 धारा 382 411 से संबंधित अभियुक्त अरविंद पुत्र ओम प्रकाश निवासी कस्बा शाहबाद, जो कि गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था,
और उसी बीच में न्यायालय में अन्य अभियुक्त भी रिमांड हेतु आए थे। इस बीच नज़र बचाकर वह वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश और गिरफ्तारी हेतु तो टीमें लगा दी गई हैं, शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खबर आए बरेली से, जहां एनटीपीसी विद्युत परियोजना में कार्यरत एक कर्मचारी ने 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री ने परिवारिक जन से नाराज होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है, साथ ही शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मामला उचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एनटीपीसी परियोजना का है। खबर लखनऊ के ठाकुरगंज से, जहां हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने फायरिंग करने वाले दो की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि ठाकुरगंज के मुफ्तीगंज में बारात में आए लोगों ने हर्ष फायरिंग की थी। हर्ष फायरिंग करने वाले चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला ठाकुरगंज के मुफ्तीगंज का बताया जा रहा है। देखिए, ठाकुरगंज में एक रात को एक वीडियो मैसेज वायरल हुआ था ट्विटर पे, और उसकी तुरंत इसकी सघनता से जांच की गई तो ज्ञात यह हुआ कि मुफ्तीगंज क्षेत्र में एक बारात आई थी, जिसमें कुछ बारातियों ने इस तरह की फायरिंग की है। जब इसकी जांच की गई पहले तो इन चारों अभियुक्तों को तुरंत शिनाख्त की गई और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। जांच से ज्ञात हुआ कि यद्यपि कि यह गन जो है वो ओरिजिनल नहीं थी, लेकिन आजकल एकदम अबाउट टू बी ओरिजिनल एक टॉय गन आती है, जिसे लोग अधिक भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन इसे एक भय कारित हुआ वहां पे, इस कारण शांति भंग होने के कारण उन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध तत्परता के आधार पे कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। अमरोहा नगर के भाजपा के वरिष्ठ नेता शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लो ने विधान परिषद में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने बताया कि गन्ना किसानों के लिए उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार ने काम किया है वो किसी भी सरकार ने नहीं किया। साथ ही कहा कि प्रदेश की योगी सरकार के कार्यकाल में 121 चीनी मिले संचालित हैं और गन्ना किसानों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी सरकार योगी सरकार साबित हुई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बहुत गन्ने की चर्चा कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ मेरा क्षेत्र गन्ने का क्षेत्र है। पहले क्या हुआ करता था, आंदोलन, फैक्ट्री चलाने के लिए आंदोलन, फैक्ट्री को चलते रहने के लिए आंदोलन, गन्ना पेमेंट के लिए आंदोलन। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार हुई है, गन्ने के नाम पर कोई आंदोलन नहीं, एक भी आंदोलन नहीं हुआ, और सबसे ज्यादा पेमेंट देने का काम किया। समाजवादी पार्टी के जमाने में 10 फैक्ट्री बंद हुई साहब, और हमारे आदरणीय अंबेडकर साहब बैठे, इन्होंने 19 फैक्ट्री भेज दी। लेकिन उत्तर प्रदेश की आज अगर स्थिति देखोगे, 117 जिलाधिकारी श्री सूर पाल गंगवार द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सैनिक बंधु की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई है। बैठक में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया एवं अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के समक्ष रखी। बैठक में समस्याओं के निस्तारण के लिए विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे एवं जिलाधिकारी ने ध्यानपूर्वक समस्याओं को सुनते हुए समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल को अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें वह और उनकी सुरक्षा में लगे दो सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां पर उमेश पाल और एक सिपाही की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। दरअसल धूमनगंज थाना क्षेत्र के सुलेम सराय में उमेश पाल के घर में घुसकर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोली और बमों से हमला किया। घटना के बाद हमलावर पूरे इलाके को बम से फेंकते हुए फरार हो गए। ये 5 से 5:30 बजे के बीच में सूचना प्राप्त हुई थी कि मिस्टर उमेश पाल जी हैं, जो कुछ केसेस की पैरवी कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला हुआ। उनकी सुरक्षा के लिए उनको दो गनर दिए गए थे, उनकी सुरक्षा के लिए वो गनर भी उनके साथ में थे और गनर्स भी क्रिटिकली इंजर्ड हुए हैं। अभी उमेश पाल की डेथ हुई है और जो गनर हैं उनके साथ में, उनमें से एक अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, वेंटिलेटर पे है, उसको रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे जो गनर हैं वो भी इंजर्ड हुए हैं, क्रिटिकल हैं, उनको ऑपरेशन थिएटर में इस समय उनका ऑपरेशन किया जा रहा है। नॉर्मल है, खतरे की बात नहीं है। किस तरीके से घटना हुई है? अब घटना इनके ऊपर जो है गोली से भी वार किया गया है और बम के भी द्वारा वार किया गया। कहाँ गए थे? आज जो है कोर्ट में, एमपीएमएलए कोर्ट में लगी हुई थी,
भाई आतिथ्य के आदाजी हत्याकांड वाले में जो है सारे मामले हैं उसी में बहस चल रही थी और यहाँ से 4:30 बजे करीब निकले हुए उसी के बाद वही पर्चे बता दें अपना अशोक कुमार जो है एम पी एम एल ए कोर्ट से जो है 4:30 बजे निकले हैं उसके बाद जो है ये रास्ते में थे तभी से जो है गोलियां चल रही थी और घर पे पहुंचने के बाद जो है इनके घर के गेट के पास जो है बम मारा गया है। क्या हालत है अभी क्या हालत है अभी क्या कंडीशन हालात अभी हॉस्पिटल में अंदर हैं आईसीयू जाने नहीं अभी कुछ कह नहीं सकते क्या है जाने नहीं दे पर्चे बता दें अपना मैं एडवोकेट सूर्या ये कब हुआ था अपराध कांड हुआ था जी 2008 में नहीं 2008 हमने इस पूछी सामने देखी एक बार डेट याद नहीं है उसी में गवाही समाप्त हुई उसमें समाप्त होने के बाद पूरा 313 डिफेंस के वकील ने डिफेंस भी दिया उसके बाद आज लगभग फाइनल डेडलाइन था सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन भी था इसमें हाई कोर्ट का गाइडलाइन भी था कि 2 महीने के अंदर मुकदमे का निस्तारण कर दिया। अच्छा क्या इस मामले में कोर्ट हाई कोर्ट से भी कोई डायरेक्शन था कि मामले का ट्रायल जल्दी पूरा किया जाए पूरा खत्म ट्रायल उन्होंने कहा कि 2 महीने के अंदर ट्रायल डिसाइड कर दिया जाए हाई कोर्ट ने कहा था ये हाई कोर्ट ने भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ये लोग चैलेंज करने गए थे ऑर्डर उधर से सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया था सारी पत्रावली में रिकॉर्ड पे है। अच्छा लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया तो एक मल्टीप्लेक्स स्वीकृत मानक के विपरीत पाया गया साथ ही 3 अन्य निर्माण भी अवैध मिला जो प्रवर्तन दल ने सील कर दिया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर जोन 2 के प्रवर्तन दल की टीमें पुलिस बल के साथ पहुंची कानपुर रोड योजना का कमर्शियल पार्केट के भूखंड पर लगभग 14,050 वर्ग मीटर के मल्टीप्लेक्स का निर्माण होते पाया गया जो बिल्डर अंशु गोयल व अर्पित जैन द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत बनाया जा रहा था किसी तरह से साक्ष्य न देने पर सील कर दिया गया। अमरोहा में सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर प्रवीण गुप्ता ने ट्रैफिक पुलिस को उनकी सहायता के लिए 24 बूथ भेंट किए गए जिसमें पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी को आसानी से अंजाम दे सकते हैं। इस मौके पर शुभारंभ करने के लिए डीआईजी मुरादाबाद शलभ माथुर और अमरोहा डीएम वीके त्रिपाठी पहुंचे। आज 24 तारीख को अमरोहा के अंदर जिवाई चौकी पर हमारी कंपनी सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड की तरफ से अमरोहा पुलिस को 24 यातायात बूथ भेंट करे गए और वो 24 यातायात बूथ जो हैं वो हमारे यातायात पुलिस के कर्मियों के लिए और सहयोग से कार्य करने के लिए हमने भेंट करे हैं। और इसके अलावा जब भी अमरोहा पुलिस को या जनपद में किसी भी विभाग को हमारी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमेशा तत्पर हैं। डीआईजी साहब द्वारा आज इसका उद्घाटन हुआ और डीआईजी साहब के साथ डीएम महोदय एडिशनल एसपी महोदय एसपी महोदय और विभिन्न सीओ मौजूद रहे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना है। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार।